Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अरे अमान बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। जब अमान लाउंज में दाखिल हुआ तो सिकंदर साहब लैपटॉप के सामने परेशान हाल बैठे हुए थे। अमान ने उनका शिकनजदा चेहरा देखकर पूछा, सर इज एवरीथिंग ऑल राइट? लैपटॉप ठीक तो चल रहा है ना? अभी परसों तो मैं इसे सेटअप करके गया हूँ। आपने सुबह सुबह कॉल करके मुझे यूँ बुला लिया और आप फोन पर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहे थे, इसीलिए मैं फौरन चला आया। बताइए क्या बात है? सिकंदर साहब ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये देखो ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? कौन है ये लोग? मुझे ये फेसबुक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कंफर्म रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सजेस्टेड फ्रेंड, अल्लाह जाने क्या हो रहा है ये? कहाँ से आ रही हैं ये इतनी सारी फोटोज? मैं तो जानता भी नहीं हूँ इन सब लोगों को। अमान ने सिकंदर साहब की फेसबुक प्रोफाइल को एक्सप्लोर किया और फिर मुस्कुरा कर कहा, सर ये सब आपकी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट्स हैं। सिकंदर साहब ने घबरा कर पूछा, तो मुझे क्या करना होगा इनका? सर आई थिंक दे ऑल नो यू, ये सब शायद जानते हैं आपको। इन सारी प्रोफाइल्स में एक बात कॉमन है सर, ये सब ग्रामर हाइट्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये सुनकर सिकंदर साहब चौंक गए और बोले, ग्रामर हाइट्स? अरे कहीं ये सब मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं हैं? आपके स्टूडेंट्स कैसे सर, मैं समझा नहीं। सिकंदर साहब ने अमान को बताया, आई वॉज द प्रिंसिपल एट ग्रामर हाइट स्कूल, मैंने 25 साल पढ़ाया है वहाँ, लेकिन मैं इन सब बच्चों को पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर अमान ने हंसते हुए कहा, तो सर अब तो सब बड़े हो गए होंगे ना, लेकिन ये चक्कर क्या है? हाउ डिड दे फाइंड मी? उनको कैसे पता कि मैंने फेसबुक ज्वाइन कर लिया है? अमान ने सिकंदर साहब के लिए इस पहेली को सुलझाते हुए कहा, सर यही तो फेसबुक की खास बात है, ये कॉमन एक्टिविटीज और म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढकर सजेशंस देता है। और यहाँ देखें, ये जो आइकॉन बना हुआ है लाइक एन एनवलप, इसमें मैसेजेस होते हैं। देखें ऑलरेडी कितने सारे मैसेजेस आए हुए हैं आपको फ्रॉम ऑल योर स्टूडेंट्स, आप यहाँ उन सब से बात कर सकते हैं। इतने सारे नोटिफिकेशंस देखकर सिकंदर साहब खुशी से बोले, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बिना बुलाए ही सब आ गए। तो सर मैं आपके बिहाफ पर ये सारी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर लूँ? योर स्टूडेंट्स लव एंड रिस्पेक्ट यू अलॉट सर। अमान के इस मशवरे पर एक मिनट सोचने के बाद सिकंदर साहब ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ चलो सारी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। सिकंदर साहब ने बाकी पूरी शाम अपनी फेसबुक प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते, ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते और फिर YouTube पर मैडम नूर जहां के पुराने गाने सुनते हुए गुजारी। अगले दिन जब नाश्ते की टेबल पर अब्दुल्ला ने खीर का प्याला रखा तो सिकंदर साहब ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम्हें याद था? कैसे याद नहीं होता चचा, मैं 12 साल का था तब से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मुझे याद है हर साल आपकी सालगिरह पर चची अम्मी आपके लिए खीर बनाया करती थी, तो मैं कैसे नहीं बनाता? आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो चचा जान। सिकंदर साहब ने शफकत से अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखा और उसे दुआ दी। इतने में लैंडलाइन की घंटी बजी। सिकंदर साहब ने फोन उठाया तो आगे से अदील ने कहा, Many many happy returns of the day, Abu. Thank you, बेटा, thank you so much. ये ले अबु, हीना से बात करें। हीना ने अदील से फोन लिया और गुनगुनाने लगी, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, प्यारे अब्बू. Happy birthday to you. अचानक सिकंदर साहब को पीछे लाउंज से पार्टी पॉपर्स, गुब्बारों और तालियों की आवाज सुनाई दी। अरे अब्बू, ये कैसा शोर है? सिकंदर साहब ने चौंक कर हीना से कहा, पता नहीं बेटा, लगता है कोई आया है, मैं जरा देखता हूँ फिर कॉल करता हूँ तुम लोगों को। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।